Uh, there are a number of issues that relate to the prison. Uh, although the uh, the every system, every organization in a criminal justice system affects the working of the every other organization. For example, prosecution is going to affect uh, the prisons, or investigation is going to affect the prison. Investigation is going to affect prosecution, and so on and so forth. So, but looking at the prison environment. Uh, the most important thing that happens in the prisons uh, is um, uh, f first of all in the prisons is that they are overcrowded and this overcrowding in the prison is is very important and that needs to be given attention uh, the, the the most uh, the, what can be suggested in this uh, in this regard is uh, that we must there must be enforcing of existing bail laws the existing bail laws must be uh, implemented uh, the judges must not be hesitant in giving bail uh, bail to, to to prisoners whom they think that uh, they will they can be given bail and they have some uh, track record of uh, not of 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 a well of a good behavior uh, judges should be held accountable uh, to, to account any trial failing to set bail where required by law so where judges uh, can give bail and they, are, they do not give bail uh, for, for the reasons unknown sometimes. Uh, there should be some kind of an accountability mechanisms for that. Uh, this will have e effect on the prison population, on reducing overcrowding uh, or overpopulating the prisons. दी अदर इज़ राइट्स ऑफ द प्रिजनस यू आर टॉकिंग ऑफ द फोर वॉल्स जहाँ पे प्रिजनस uh, को रखा जाता है कुछ सज़ा काट रहे होते हैं और कुछ जो हैं उनके केसेस बहुत लंबे हो जाते हैं और वो फिर भी जेल में होते हैं uh, तो राइट्स ऑफ द प्रिजनस जो हैं वो uh, जो अंडर रिमांड हैं उनके बहुत ज़रूरी हैं इन्शोरिंग दैट प्रिजनस आर और उनकी हेयरिंग है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जेल्स जो जेल्स है वो उन हेयरिंग पे उन प्रिजनर्स को वक्त के ऊपर पहुंचाएं ट्रांसपोर्ट करें जेल से कोर्ट में अक्सर ये होता है कि वो या तो उनको वो तारीख नहीं बताई जाती है या तारीख मालूम होती है प्रिजन के पास व्हीकल्स नहीं होते सो डेट ऑफ हेयरिंग पर उनका वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है फिर प्रोवाइडिंग लीगल एड जो है दें उन प्रिजनर्स को खास तौर पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई लॉयर को तो उनके लिए अगर फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए ये भी एक जो है मदद करेगा प्रिजन की पॉपुलेशन को कम करने के लिए दी अदर इज प्रिजन सिक्योरिटी फॉलो एस ओ पी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ प्रिजन हर प्रिजन का एक मैनुअल होता है जिसमें उसमें जिस मैनुअल में, उस में, में ये बताया गया होता है कि इस प्रिजन की जो लेआउट किस तरह से है और इसको किस तरह से आपने रन करना है इस पूरे प्रिजन को किस तरह से आपने चलाना है प्रिजन के अंदर की जो हाल, हालत होती है बहुत से ऐसे प्रिजनर्स को इस तरह से रखा हुआ होता है जैसे कि भेड़ बकरियां जो हैं आ, उनको आप किसी एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दें सो so, इसके ऊपर भी एक प्रिजन की एस ओ पीज़ हैं उसके मुताबिक फिर इसके अलावा जो एस ओ पीज़ हैं इसमें ना सिर्फ प्रिजनर्स की सिक्योरिटी है बल्कि इन इट्सल्फ प्रिजनर्स की बट प्रल्फ़ की सिक्योरिटी है यानी जो कैदी हैं उनकी सिक्योरिटी भी और जो जेल है उसकी सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड है मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो कुछ पैसे लोगों को देकर वहीं के ऑफिशल्स को देकर कुछ प्रिजनर्स जो हैं इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर्स जो हैं वो मोबाइल अगर चेहरे अलाउड नहीं है तो अब जेमर्स प्रोवाइड कर दिए गए ये एक तब्दीली है जो कि प्रिजन्स में लाई गई है फिर ये है कि सफाई का ख़्याल जो है जो है उसका रखना ये भी बहुत एक अहम चीज़ है और इसका भी इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आई सो कुछ तब्दीलियाँ प्रजेंट्स में कुछ रिफ़ॉर्म्स आए हैं और प्रजेंट की पॉपुलेशन कुछ कम हुई है लेकिन कुछ और भी इसमें रिफ़ॉर्म्स और तब्दीली लाने की ज़रूरत है ख़ास तौर पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो प्रजेंट्स के हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है